हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का। जितने भी कैंडिडेट्स एचपीएससी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज रीजन ये है कि देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना जरूरी है, और ये तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सेम आयोग एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हो, एग्जाम का पैटर्न सेम हो और होने वाले एग्जाम आपके एग्जाम से जस्ट एक दो महीने पहले हुए हो या उसी साल में हुए हो, तो उन पेपर्स को एनालिसिस करना, डीप एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब सिलेबस सेम हो, टॉपिक किस से क्वेश्चन आ रहा है वो हमें जानना जरूरी होता है, वरना तो बहुत वास्ट सिलेबस होता है, कम टाइम में कैसे कवर किया जाता है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो इसी दौर में हम आज डिस्कस करेंगे 30/7/2023 को असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी का जो पेपर हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सिर्फ क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे, उनके सोल्यूशन के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये था अपना ADA का जो एग्जाम अभी हम बात कर रहे थे 30/7 को जो हुआ, इसका पैटर्न और आपका जो पीजीटी का पैटर्न है बिल्कुल सेम है, वही 100 नंबर 80 नंबर सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में इनके सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ थे, आपका जो सब्जेक्ट है उससे कंसर्न रहेंगे। उसके बाद यहाँ रिमेनिंग पोर्शन से लेकर यहां तक हरियाणा कल्चर तक सेम है, सिर्फ आपके पास एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी जो है वो अलग है। तो पीजीटी वालों के लिए मैं ये बता देता हूं कि जो आपका साइकोलॉजी और पेडागोजी है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि कैसे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। उससे पहले हम इनके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हरियाणा जीके से वो डिस्कस कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, इसके साथ ही साथ करंट अफेयर हरियाणा की जो कि आपको आने वाले एचपीएससी पीजीटी एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करने वाली है, और इसके साथ ही साथ एचपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस की मैंने तीनों प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। तो पहला क्वेश्चन जो जीके का आया वो आया क्वेश्चन नंबर 16, आप देख सकते हो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया, बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, सबको आता होगा। मेघपाई फरीदाबाद में, डबचिक होटल में है, रेड बिशप पंचकुला में, तो इसका आंसर आप कर लोगे, बी वाला होगा। क्वेश्चंस का आंसर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, भिवानी सिटी में कौन सी चीजें हैं कौन सी नहीं है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, इनके कंप्लीट सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आज शाम को या कल तक डल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां अगला क्वेश्चन पूछा गया था पिंजौर से, आपको पता हो प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने देखा था वहां भी एक पिंजौर से क्वेश्चन पूछा गया था कि 15वीं शताब्दी में पिंजौर किले का निर्माण हुआ, इस टाइप से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप ये देख पा रहे हो कि पंचकुला को टारगेट किया जा रहा है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत वर्ड फ्रॉग, ये सबको पता है संस्कृत मेंढक के नाम से किस जिले का नाम या शहर का नाम पड़ा है आपको पता ही है, ठीक है, दादुर जिसको बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जीके से टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, 16, 17, 18 और 19, 4 क्वेश्चन आए जीके से। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा हमने पोल्यूशन कंट्रोल का पेपर जो था उसका भी डिटेल एनालिसिस आपके साथ किया हुआ है, उसके क्वेश्चन की आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको लग रहा हो कि किसी भी तरह से आपकी हेल्प हो रही हो एग्जाम के लिए तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था ये आपका पूछा गया रीजनिंग से, ये तीन लड़के हैं अकबर, अमर अकबर और एंथनी, एक स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब रीजनिंग टाइप का आपको ये पूछा गया है कि कौन फिशरमैन है लेकिन फिर भी खिलाड़ी नहीं है। तो दो टाइप से पूछा गया है कि तीन टाइप के खेल है और तीन लड़के, इस टाइप से एक रीजनिंग का क्वेश्चन जनरेट किया गया, इनको बाद में सारे इनके सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन इतने आसान नहीं है अगर देखा जाए तो, यहां अगर हम देखा जाए तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि दो आपको स्टेटमेंट दी गई है, कथन ए और कथन दो, ठीक है। इसमें यह बोला गया कि यदि आपका उत्तर केवल एक स्टेटमेंट से आ रहा है तो ए को क्लिक कर दीजिए, दो से आ रहा है तो दो को क्लिक कर दीजिए, और दोनों को मिला के आ रहा है तो बी को क्लिक कर दीजिए, और दोनों से ही उत्तर नहीं आ रहा है तो डी को क्लिक कर दीजिए, और अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड का आंसर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए, ये आपको देख सकते हो, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो, अदरवाइज आपको सोल्यूशन तो करवाए ही जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे गए ये देख लीजिए कि एक ट्रेन इतने से स्पीड से जाती है और उसके बाद उसको 1/4 इसकी ओरिजिनल स्पीड से स्लो डाउन हो जाती है, तो ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ ए बी की वैल्यू 8 दी गई है और बी सी की वैल्यू 9 दी गई है, और आपको बोला कि ए बी सी का मान कितना होगा, ए बी सी का कि जो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो अब आपको ये बताना है कि ए और बी, जैसे आंसर तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देना है आपको, इसके अकॉर्डिंग कि हम इस जो स्टेटमेंट दी गई है उसका एक के बेस पे हम आंसर कर सकते हैं या दोनों के बेसिस पर होगा या दोनों के बेसिस पर नहीं होगा, इस टाइप से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तीसरे में क्या है, व्हाट आर द एज ऑफ द 3 ब्रदर्स, तीन ब्रदर्स की एज दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ उनका 21 है और सम ऑफ देयर एज इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो क्या इसका जो ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर एक से दिया जा सकता है, दो से दिया जा सकता है, या दोनों को मिला के दिया जाएगा, या दोनों से नहीं दिया जा सकता, इस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो मतलब इतना इजी क्वेश्चन नहीं बोल सकते इनको। फिर 23 से 24 वालों को फिर से इन्होंने सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बनाया है कि 6 स्टेटमेंट है उनमें से 4 सेट का अनुकरण होते हुए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें सार्थक तार्किक रूप से संबंधित है, कि 6 स्टेटमेंट में से जैसे 3-3 के सेट बना दिए इन्होंने, इनमें से कौन सा सेट है जो कि एक आपको लॉजिकल रीजनिंग के रिलेटेड, चूज द सेट इन विच द स्टेटमेंट आर लॉजिकल रिलेटेड होंगे। जैसे इन्होंने बोला जॉन की पत्नी मेरी है,
मेरी और जॉन ने एक साथ डांस किया, मेरी एंड जॉन की अंगूठी, मेरी जॉन की अंगूठी पहनती है, तो इनमें से आपको ए बी सी ए डी एफ इनको अरेंज करके देखना है कि इनका तार्किक रीजन किस एक स्टेटमेंट से निकलता है। ये क्वेश्चन नंबर था 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, स्मोकिंग कॉज कैंसर, ऑल सिगरेट आर हैजर्ड टू मतलब हेल्थ, सभी सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, कभी कभी धूम्रपान से कैंसर नहीं होता, सिगरेटों की एक ब्रांड चमचम है, ब्रांड एक्स से कैंसर होता है, चमचम स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। इनके इसके बेस पर भी आपको क्या करना है, वही जो चार आपको दिए हुए हैं उनमें से जो स्टेटमेंट छह दी गई है उनमें से फोर सेट जो आपको दिए गए हैं ये वाले, इन फोर सेट में से आपको ये बताना है कि कौन सी लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल बातें बनती है कि जो सही है, ठीक है, ए बी ई हो सकता है, डी बी एफ, तो इन सब के सॉल्यूशन आपको करवाए जाएंगे, उसके बारे में आप चिंता ना करें। एक बार सिर्फ एनालिसिस के बेस पे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज का सिर्फ एनालिसिस ये है कि पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से 28। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी दिखाई नहीं दे रहा, जी बहुत कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं ये बता देता हूं कि ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। साथ ही साथ अभी ये जो बड़ी स्टेटमेंट है ना, इनको मैंने क्या किया, एक ही पेज पे डाला है, जब सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा तो इंग्लिश वाले को अलग स्लाइड पे डाल देंगे, हिंदी वाले को अलग स्लाइड पे डाल देंगे, ताकि इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और क्लियरिटी थोड़ी आपको और नजर आएगी। आज सिर्फ थोड़ा समझना है तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। फिर 25 से 28 तक फिर से इन्होंने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया है कि इंग्लिश व्यक्ति लाल घर में रहता है, इटली निवासी चाय पीता है, नॉर्वे निवासी बाएं से प्रथम घर में रहता है, दाहिनी ओर से घर में रहने वाला व्यक्ति दूत, मतलब लेंथी क्वेश्चन बना रखे बेसिकली अगर कहा जाए तो। इसके बाद इनसे यही पूछा है कि नॉर्वे निवासी के रंग का घर कैसा है, मतलब पहले आपको ये पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं मेरा जो मेथड होता है, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन पहले पढ़ लो, बाद में इस ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ो, आप पैराग्राफ पढ़ोगे फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर दोबारा पैराग्राफ पे आओगे, टाइम खराब होगा। तो इसलिए पहले क्या होता है कि देख लो भी नॉर्वे के निवासी का रंग, निवासी के घर का रंग पूछा, तो जब आप पैरा पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा, जब भी नॉर्वे आपके सामने आएगा तो आप पहले इस चीज को क्लिक करोगे कि अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जैसे मिल्क इज ए ड्रिंक, दूध पेय का उपभोग किसके द्वारा होता है, तो ये इसमें आप देखोगे कि इसमें दे रखा होगा कि चार व्यक्ति अलग अलग पेय लेते हैं, तो दूध कौन पीता है, व्यक्ति दूध पसंद करता है, दाहिनी ओर से दूसरे घर में रहने वाला व्यक्ति दूध पसंद करता है, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ये रीजनिंग के 26, 27 और फिर आगे ये 28 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 और 20 से लेकर 28 तक ये क्वेश्चन हो गया आपके 9 और 1 10, ठीक है। 10 क्वेश्चन ये हो गए और 4 क्वेश्चन आपके जीके के, मतलब रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 4 क्वेश्चन और उसके बाद मैथमेटिक्स के 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए किससे पूछा गया था, एलिगेशन मिक्सचर से, दूध और पानी का जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन करते हैं वहां से पूछा गया था। आगे वाला क्वेश्चन फिर आप इसको रेशियो में ले लीजिए या पानी और दूध वाला जो मिक्सचर होता है उसी से, मतलब एलिगेशन मिक्सचर से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, जो हम पानी के बहाव में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ते हैं, पानी के बहाव के साथ पानी के बहाव के अपोजिट, एक क्वेश्चन वहां से बना हुआ है मैथमेटिक्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो कि जो सीपी एसपीएम पढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी और इन पे पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस पे, ठीक है। अगला आपको इंटरेस्ट पे पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपसे प्रॉफिट लॉस का, सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक समान। अब दोस्तों मेरा जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूं, जो पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मैं दो पेपर का हम डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं जो कि अभी लेटेस्ट पेपर हुए थे इनका, अगर मैं पोल्यूशन कंट्रोल वाले की बात करूं या मैं इसको एडीए की बात करूं और उसके बाद बचता है आपका पीजीटी का जो होने वाला है, पोल्यूशन कंट्रोल में भी यही था, इन्होंने 20 क्वेश्चन की जगह क्या दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से 5 जीके के थे और 5 मैथ और रीजनिंग दोनों के थे, 5 थे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ यहां बात करें तो मैथ और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन, 5 जीके के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिए, इन्होंने 10 क्वेश्चन जो डाले वो इनका जैसे यहां सिलेबस मेंशन किया हुआ है उस पेपर में इन्वायरमेंट था, एमएससी ने इन्वायरमेंट, तो उन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है नहीं कि मैथ के क्वेश्चन डाले या रीजनिंग के डाले, वो तो एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो गए वो तो एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन इन्वायरमेंट से डाल दिए। अब कोई जनरल अवेयरनेस डालेगा तो ये थोड़ा ना कि एक ही टॉपिक के डाल देगा, सारे इन्वायरमेंट के डालेगा, तो अगर वो जनरल अवेयरनेस से डाल रहा होता तो हर चीज से कोई ना कोई क्वेश्चन होता ना, ऐसा थोड़ा ना कि 10 के 10 क्वेश्चन आप एक से बना दो, जबकि उसमें एलिजिबिलिटी बाकी सब्जेक्ट भी थी, एमएससी केमिस्ट्री भी था, माइक्रोबायोलॉजी भी था, बायोटेक्नोलॉजी भी था, ठीक है दोस्तों। तो यहां पोल्यूशन कंट्रोल वालों में इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे थे मैथ रीजनिंग और जीके से। अब पीजीटी का इनसे ज्यादा आप कंपैरिजन ना कीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके केस में जो रहने वाला है, क्योंकि यहां एक बड़ी चीज जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी, यहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे यहां रीजनिंग में 10 क्वेश्चन डाल दिए गए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, तो आपको यहां भी ऐसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए
कि रीजनिंग से मतलब कम क्वेश्चन आए, मैथमेटिक्स से कम क्वेश्चन आए, साइकोलॉजी से ज्यादा आ जाए, क्योंकि आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, ये अलग फील्ड है, आपका अलग फील्ड है, क्योंकि आपके बाकी किसी पेपर में एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागोजी नहीं है, आपके सिलेबस में है, तो आप मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहां आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन 20 में से रीजनिंग के डाल दिए इन्होंने, 6 मैथमेटिक्स के, 4 जीके के, तो आपको मैथ रीजनिंग ये तो करना ही करना है, साइकोलॉजी जीके और हरियाणा करंट इन पे भी आपको फोकस करना है दोस्तों। किसी भी टॉपिक को आप हल्के में ना ले, छोड़ के ना जाए, मेरा तो यही कहना है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, एनालिसिस पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मोटिवेशन मिलता है इससे, और तो कुछ नहीं है कि आपके लिए जो किया जा रहा है उसके प्रति आप भी क्या हो, मतलब थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब आती है, ऐसा लगता है कि हाँ सामने वाला भी पॉजिटिव सोच रहा है कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां हमने साइकोलॉजी के कम 16 लेक्चर मैंने करवा दिए आपको, करंट अफेयर के भी आपकी ऑलमोस्ट हो जाएगी जब तक आपका एग्जाम आएगा, उसके अलावा जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ के जो मेन टॉपिक्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, इनके बारे में आप टेंशन ना ले, कॉमन पार्ट अपना सब्जेक्ट आप पढ़ते रहे। धन्यवाद आप सभी का, चैनल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।